ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 3967 क्लैरिफाइड ऑन 6 मई 2022। आज का रात्रि क्लास है 17/8/1965। टुडेज नाइट क्लास इज डेटेड 17/8/1965। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन बाप के पास जाते हैं। चिल्ड्रन नो वी गो टू द फादर हु इज द प्योरिफायर ऑफ द इम्प्योर। पावन बनकर पीछे आते हैं। वी रिटर्न आफ्टर बिकमिंग प्योर। ये तो गाया हुआ है, पतित पावन को आना है और पतितों को पावन बनाना है। इट इज सर्टनली प्रेज्ड द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर हैज टू कम एंड ही हैज टू मेक द इम्प्योर वंस प्योर। गाया हुआ है, इट इज प्रेज्ड। कहाँ का गाया हुआ है? इट इज द प्रेज ऑफ विच टाइम? गायन पूजन यादगार सब पुरुषोत्तम संगम युग के ही है। This praise, worship, yadgar and everything is only of the Purushottam confluence age. यहाँ पतितों को पावन बनना है। The impure ones have to become pure here. तो पावन बनेंगे वो ही पवित्र दुनिया में चलेंगे और अमर बनेंगे। Those who become pure themselves will go to the pure world and become immortal. यहाँ ही अमर बनेंगे और वहाँ भी अमर बनेंगे। You will become immortal here as well as there. यहाँ बाप के ऊपर कभी अनिश्चय बुद्धि बनेगी नहीं। You will never have a doubting intellect for the father here. तो जैसे बाप के बच्चे बने रहेंगे मरेंगे नहीं, अमर बनेंगे। बाकी जो ना बनेंगे वो अमर नहीं होंगे। सो इट इज एज इफ यू विल स्टे एज द फादर्स चिल्ड्रन, यू वोंट डाई, यू विल बिकम इमॉर्टल। एज फॉर द रेस्ट Those who don't become his children won't become immortal. घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि होते रहेंगे। They will keep having a doubting intellect again and again. मरते रहेंगे। They will keep dying. बाप के बच्चे बने फिर मर गए। They become the father's children and then they die. तुम तो अमर दुनिया के मालिक बनते हो। यू बिकम द मास्टर्स ऑफ द इमॉर्टल वर्ल्ड। इस अमर दुनिया में कोई मरता ही नहीं। नो वन डाइज इन दैट इमॉर्टल वर्ल्ड एट ऑल। तो बाप कितना ऊंच वर्षा देते। सो द फादर गिव्स सच अ हाई इनहेरिटेंस। अमरनाथ की दुनिया, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ अमरनाथ। अमरपुरी के मालिक, यू बिकम द मास्टर्स ऑफ द अबोर्ड ऑफ इमोर्टेलिटी अमरपुरी। ऊंचे से ऊंचे बरसा हुआ ना। इट इज द हाईएस्ट इनहेरिटेंस, इजंट इट? पवित्र ऐसा बनते हो जो फिर 21 जन्म तुम पवित्र बने रहते हो। एंड यू बिकम सो प्योर That you stay pure for 21 births. सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं। The sannyasis are still born through vices. विपरीत कार्य करते हैं, विकार में जाते हैं। They perform wrong actions and indulge in vices. दुख देते हैं। They give sorrow. विकार में जाना ही माना दुखी करना। The very meaning of indulging in vices means to give sorrow.
तो वह सन्यासी अमरपुरी के लायक नहीं बनते हैं। सो द सन्यासीज डोंट बिकम वर्दी ऑफ गोइंग टू अमरपुरी। हिंसा के विपरीत कर्म को छोड़ दें। दे शुड रिनाउंस द वायलेंट रॉन्ग एक्शंस। नालायक। दे आर अनवर्दी। अमरपुरी का लायक बाबा ही बनाते हैं। इट इज बाबा अलोन हु मेक्स अस वर्दी ऑफ गोइंग टू अमरपुरी। साकार निराकार बाप का मेल बाबा वही लायक बनाते हैं। बाबा हु इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉर्पोरियल एंड द इनकॉर्पोरियल फादर अलोन मेक अस वर्दी। ये हमारा कथा पार्वतियों को अमर बाबा जिसे कहे शिव बाबा वो ही सुना रहे। अमर बाबा और कॉल हिम शिव बाबा ही अलोन इज नरेटिंग दिस अमर कथा टू पार्वतीज। बच्चे आए भी हैं बाप के पास। द चिल्ड्रन हैव सर्टनली कम टू द फादर। ये आत्मा रूपी बच्चे हैं आत्माओं के बाप के पास आए हैं। दीज आर द चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ सोल्स दे हैव कम टू द फादर ऑफ द सोल्स। तो बेहद बाप के बच्चे हैं बेहद का वर्षा तो ले नहीं है। सो दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द अनलिमिटेड फादर दे सर्टनली हैव टू टेक द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस। यहाँ सागर के पास आते हो ना। You come here to the ocean, don't you? बच्चे सूर्यवंशी बनते हैं। Children become सूर्यवंशी। ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर बाप में प्रवेश करते हैं। The son of knowledge enters the father who is the ocean of knowledge. तो बच्चे सागर के पास आते हैं। So children come to the ocean. सागर से जो नदियां निकलती हैं, उन नदियों से तो सब कुछ मिलता रहता है। The rivers that emerge from the ocean, you keep receiving everything from them. खान पान की कोई कमी नहीं रहती। There is no shortage of food and drink there. धरणी फर्टाइल बन जाती है। The land itself becomes fertile. और उस पर भी फिर तुम सागर के पास सन्मुख आते हो। Moreover, you come close, सन्मुख with the ocean. Refresh हो करके फिर जाए आप सामान बनाना है। You have to become refreshed. And then go and make others equal to yourself. तो आप समान बनाना यही बच्चों का धंधा हुआ। So the very job of the children is to make others equal to themselves. जैसे माँ बाप का धंधा वैसे बच्चों का धंधा। The job of the children is like the job of their parents. बाकी पतित दुनिया तो विनाश को पावेगी। As for the rest, the impure world will be destroyed. उस पतित दुनिया में जो पावन बनेंगे वो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। Those who become pure in this impure world will become the masters of the pure world. अव्वल नंबर पावन दुनिया को बैकुंठ कृष्णपुरी संगम युगी कृष्ण की पुरी भी कहते हैं। द नंबर वन प्योर वर्ल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड बैकुंठ कृष्णपुरी मीनिंग द अबोड ऑफ कृष्ण द कॉन्फ्लुएंस इज कृष्णपुरी। कलातीत पुरी है। इट इज कलातीत पुरी। श्री राधे और श्री कृष्ण उनकी पुरी है।
इट इज द अबोड ऑफ श्री राधे एंड श्री कृष्ण। सो कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण की पुरी है। नर से डायरेक्ट नारायण नारी से लक्ष्मी बनती है। सो इट विल बी कॉल्ड द अबोड ऑफ लक्ष्मी नारायण हु डायरेक्टली बिकम नारायण फ्रॉम अ मैन एंड लक्ष्मी फ्रॉम अ वुमन। तो वास्तव में गायन ये पुरुषोत्तम संगम युग में लक्ष्मी नारायण का होना चाहिए। एक्चुअली इट इज लक्ष्मी नारायण हु शुड बी प्रेज्ड इन द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज। वास्तव में क्यों कहा? व्हाई वाज इट सेड एक्चुअली? क्योंकि वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हैं, सत्यजी कृष्ण की बात है, कलाबद्ध कृष्ण की। इट इज बिकॉज दोज ब्रह्मा कुमार कुमारीज थिंक इट इज अबाउट द गोल्डन एज कृष्ण, द कलाबद्ध कृष्ण। परंतु सतयुग त्रेता का तो कोई गायन ही नहीं है। बट देर इज नो प्रेज ऑफ द गोल्डन एंड द सिल्वर एज एट ऑल। इसलिए बोला वास्तव में गायन लक्ष्मी नारायण का होना चाहिए। दिस इज वाई इट वॉज सेड एक्चुअली देर शुड बी द प्रेज ऑफ लक्ष्मी नारायण। वास्तव में कृष्ण जन्माष्टमी नहीं होती है। एक्चुअली देर इज इंट कृष्ण जन्माष्टमी मीनिंग बर्थडे ऑफ कृष्ण। क्योंकि वो तो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं। इट इज बिकॉज ही नारायण डायरेक्टली बिकम्स नारायण फ्रॉम अ मैन। जन्म हो वे तो बच्चा बनना पड़े। इफ ही इज बॉर्न He will have to become a child. युगल की जन्माष्टमी होनी चाहिए। There should be जन्माष्टमी of the couples. पहले ला राधे फिर कृष्ण। First there is राधे and then there is कृष्ण। वास्तव में जन्माष्टमी महाराजा महारानी की मनाई जाती है। Actually It is the emperor and empress whose Janmashtami is celebrated. Maharaja ka naam pehle, Maharani ka naam baad mein. The name of the emperor is first and the name of the empress is after him. Parantu pehle Radhe kyun keh diya? But why did he take the name of Radhe first? Pehle Radhe fir Krishna. First Radhe and then Krishna. क्योंकि संगम युगी दुनिया में राधे वाली आत्मा पहले ज्ञान में आ जाती है। इट इज बिकॉज द सोल ऑफ राधे कम्स इन नॉलेज फर्स्ट इन द कॉन्फ्लुएंस एज वर्ल्ड। फिर बाद में 3-4 साल के बाद कृष्ण वाली आत्मा आती है। Then the soul of Krishna comes in knowledge after 3-4 years. इसलिए बोला पहले राधे फिर कृष्ण। This is why it was said first राधे and then Krishna. कृष्ण जन्माष्टमी भी रंग है। Celebrating Krishna Janmashtami is also wrong. होना चाहिए लक्ष्मी नारायण की जन्माष्टमी। Actually The Janmashtami of Lakshmi Narayan should be celebrated. क्योंकि ये तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। It is because it is about the revelation like birth. कोई गर्भ से तो जन्म लेते नहीं है 1976 में। Well, they certainly aren't born through the womb in 1976. तो लक्ष्मी नारायण की जन्माष्टमी होनी चाहिए तो स्वर्ग सिद्ध हो जाए। सो इफ द जन्माष्टमी ऑफ लक्ष्मी नारायण इज सेलिब्रेटेड हेवन विल बी प्रूव्ड। कृष्ण को द्वापर में ले जाते हैं, द्वैतवादी युग में जहां दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ती जाती। दे शो कृष्ण इन द कॉपर एज, इन द ड्यूलिस्टिक कॉपर एज वेर देर आर टू रिलीजन्स
two kingdoms, two languages. They go on increasing from 2 to 4, 4 to 8. ऐसे द्वापर में ले जाते हैं तो स्वर्ग है, सिद्ध होगा ही नहीं। दे शो हिम इन सच कॉपर एज सो हेवन वोंट बी प्रूव्ड एट ऑल, क्योंकि स्वर्ग में तो एक ही धर्म है, एक ही राज्य है, एक ही राजा होता है। इट इज बिकॉज देर इज ओनली वन रिलीजन, वन किंगडम एंड वन किंग इन हेवन। और द्वैतवादी द्वापर युग में तो आसुरी राज्य शुरू होता है। एंड द ड्यूलिस्टिक रूल स्टार्ट्स फ्रॉम द ड्यूलिस्टिक कॉपर एज। देवताएं तो अद्वैत कहे जाते हैं। इन फैक्ट द डीटीज आर कॉल्ड नॉन ड्यूलिस्टिक। और द्वापर में जब आसुरी राज्य शुरू होता है तो फिर कंसपुरी कहलाई जाए। एंड व्हेन द डिमोनिक रूल स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉपर एज इट विल बी कॉल्ड कंसपुरी मीनिंग द अबोड ऑफ कंस। कंस क्या करता था? वॉट डिड कंस डू? कंस कन्या को पटक के मार देता था। कंस थ्रो अ गर्ल अगेंस्ट अ वॉल एंड किल्ड हर। तो कंसपुरी कही जाए। सो दैट विल बी कॉल्ड कंसपुरी। ऐसे नहीं है कि कंसपुरी बनाने के लिए कोई कृष्ण आते हैं। इट इज इन दैट कृष्ण कम्स टू एस्टेब्लिश कंसपुरी। उन्होंने तो सतयुगी कृष्ण को समझ लिया जो कलाबद्ध कृष्ण होता है, वो कंसपुरी बनाते होंगे। दे हैव कंसिडर्ड इट फॉर द गोल्डन एज कृष्ण हु इज कलाबद्ध दैट ही वुड बी क्रिएटिंग कंसपुरी। नहीं तो वास्तविक जो संगमयुगी कृष्ण है जिसका गायन है वो कोई कंसपुरी बनाने के लिए नहीं आते हैं। अदरवाइज द एक्चुअल कॉन्फ्लुएंस एज कृष्ण हु इज प्रेज्ड डजंट कम टू क्रिएट कंसपुरी। नहीं, नो, वो कृष्ण द्वापर में आया ही नहीं। That Krishna didn't come in the copper age at all. अद्वैत देवताओं की दुनिया में आता है। He comes in the world of the non-dualistic deities. तो तुम तो कृष्ण को और ही पद ऊंचा देते हो। So, you give a high position to Krishna all the more. और ही माने? वो सतयुगी कलाबद्ध कृष्ण है ना? उससे भी ऊंचा पद देते हो। वॉट डज ऑल द मोर मीन? यू गिव हिम अ हाई पोजिशन इवन वेन कम्पेयर टू द गोल्डन एज कलाबद्ध कृष्ण। क्योंकि वो तो कलाओं में बंधा हुआ। इट इज बिकॉज ही इज बाउंड इन द सेलेस्टियल डिग्रीज। उसका जन्म होता है तो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ही स्टार्ट्स फॉलिंग एज सून एज ही इज बॉर्न। और पुरुषोत्तम संगम युग में तो श्री कृष्ण जो संगम युगी है वो तो लगातार ऊंचा चढ़ता है। एंड द कॉन्फ्लुएंस एज श्री कृष्ण राइजेस कंटिन्यूअसली इन द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज। नीचे गिरने की बात ही नहीं। देयर इज नो क्वेश्चन फॉर हिम टू फॉल एट ऑल। तो वो संगम युगी कृष्ण पुरुषोत्तम संगम युग में आया। सो दैट कॉन्फ्लुएंस एज कृष्ण केम इन द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज। और वो कलाबद्ध कृष्ण सतयुग में आया, आए थे। एंड दैट कलाबद्ध कृष्ण केम इन द गोल्डन एज। तो ये जो भक्त लोग हैं ना वो निंदा करते हैं कृष्ण की। सो दीज डिवोटीज डिफेम कृष्ण। डुप्लीकेट कृष्ण को कृष्ण समझ लेते हैं। दे कंसिडर द डुप्लीकेट कृष्ण टू बी रियल कृष्ण। तुम तो सच्ची महिमा करते हो। इन फैक्ट यू प्रेज हिम ट्रूली। किसकी? हु? पुरुषोत्तम संगम की कृष्ण की।
द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस इज कृष्ण. बल है सतयुग में कृष्ण बनने वाली आत्मा ही उसमें प्रवेश करती है अर्धचंद्र के रूप में, परंतु सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा का कोई गायन थोड़े ही होता है, नाम पड़ता है. नाम तो साकार शरीरधारी का पड़ता है. दो द वेरी सोल हु बिकम्स कृष्ण इन द गोल्डन एज एंटर्स हिम इन द फॉर्म ऑफ द हाफ मून. अ सटल बॉडीड सोल इजंट प्रेज्ड एंड इट डजंट हैव एनी नेम ईदर. इट इज द कॉर्पोरियल बॉडीली बीइंग हु हैज अ नेम. तो तुम नाम बाला करती हो. सो यू मेक हिज नेम फेमस. बाकी जो ब्रह्मा कुमारियां हैं वो नाम बदनाम करती है. रेस्ट ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज डिसग्रेस हिम. मनुष्य है वो तो गालियां देते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं. पीपल कीप इंसल्टिंग एंड डिफेमिंग हिम. उनका मन चंचल है ना. Their mind is inconstant, isn't it? तुम्हारा मन तो एकाग्र है. In fact, your mind is focused. एक ही याद में रहता है. It stays in the remembrance of the one. इसलिए बाप कहते हैं कि संगम युगी कृष्ण कलातीत कृष्ण और सतयुगी कलाबद्ध कृष्ण, इनका अंतर मैं ही आकर के समझाता हूँ. दिस इज वाई द फादर सेज आई अलोन कम एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्फ्लुएंस एज द कलातीत कृष्ण एंड गोल्डन एज कलाबद्ध कृष्ण. तो जो ग्लानी की सो की. सो हाउएवर मच यू डिफेम्ड हिम इज द पास्ट. अब ये ग्लानी नहीं करो. Don't defame him anymore. अब तो तुमको सच्ची बात है, वास्तविक बात समझाए भी ना. Now he has certainly explained you the real fact, the true fact, hasn't he? तुमने महिमा के बदले ग्लानी शुरू कर दी. Then you started defaming him instead of praising him. मैं आता हूँ तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने. I come to make you children the masters of heaven. तुम फिर मुझे गाली देते हो कि कच्छ में है, मच्छ में है. Then you insult me. God is present in a tortoise, in a fish. ऐसे ऐसे जानवरों में मुझे डाल देते हो. You consider me to be present in such animals. मैं कोई कच्छ मच्छ जानवरों को आके पढ़ाऊंगा. Will I come and teach the animals like tortoise and fish? ऐसा तो ना करो. At least don't do that. अच्छा good night. अच्छा good night.